बस हम भी रंगीर खान में हैं और ये देखिएगा यहाँ पर हम नाश्ता भी कर रहे हैं। ये पराठा है, ये दाल और ये हलवा है। और कराची में तो इसका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। तो चेक करते हैं कि यहाँ का एक अभी मॉर्निंग स्टार्टिंग हुई है और इस इन्वायरमेंट में खाते हैं, तो देखते हैं कैसा आप किस तरह नया एक्सपीरियंस मिलता है हमें। और इसे चेक कीजिएगा, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का एक मंजर, खूबसूरत सा मौसम, हल्की हल्की फोग भी हो रही है रंगीर खान में। और अभी मैं नाश्ते से बिल्कुल फ्री हुए हैं, और तो उसके बाद हमने सोचा यहाँ पर ज़रा देखते हैं। और देखा बिल्कुल व्यूअर्स चेक कीजिएगा, ये मॉर्निंग स्टार्ट हुई है और हल्का हल्का सूरज भी तुलू होने वाला है, तो ब्यूटीफुल वेदर है। तो अभी हम यहाँ से चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। अभी हमने मोटरवे से एग्ज़िट लिया है, और मोटरवे से एग्ज़िट लेने के बाद हमने तो नाश्ता वाश्ता किया रंगीर खान पे, क्योंकि ट्रैवल जब हम करते हैं तो थोड़ा स्टे लेना पड़ता है ताकि बंदा थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और इसके साथ ही जो खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है, छोटी सी मस्जिद है, लेकिन व्यूअर्स चेक कीजिएगा, लुक चेक कीजिएगा कि आप यहाँ व्यूअर्स चेक कीजिएगा, ये छोटा स्पॉट है, इधर आप इधर चाय वगैरह भी ले सकते हैं, जूस और फ्रूट के जूस भी आपको मिल सकते हैं, कुछ गर्म शॉलें वगैरह भी ले सकते हैं। ये चेक कीजिएगा, अभी अर्ली मॉर्निंग है तो इसलिए अभी कुछ शॉप वगैरह बंद हैं। मैं उससे पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, तो ये शॉप खुली होती है, यहाँ पर बड़े फूड के आइटम वगैरह होते हैं। यहाँ पर ये गर्म अंडे हैं, गर्म मसालों का पॉइंट है, और ये रहा फ्रेश जूस। मैं चेक कीजिएगा, पंजाब की खूबसूरत सी बात यह है कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा फॉगी माहौल भी नज़र आता है। देखें आप उसी वेदर चेक करें व्यूअर्स के, आपको कितना खूबसूरत, अभी शायद आपको कैमरे में उस तरीके से फील ना आ रहा हूँ, लेकिन एक खूबसूरत सा ये पॉइंट है जिसमें आपको थोड़ा सा आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो बस हम आप रंगीर खान से आगे निकलते हैं, और उसके बाद आगे का सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको उस तरह की वीडियो दिखाते रहेंगे। अभी मैं जैसे आपको वेदर चेक करा रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का बिल्कुल मौसम हो रहा है, और ग्रीनरी तो माशाल्लाह से रंगीर खान की बड़ी मशहूर है, बहुत अच्छी रही होती है। हम रास्ते मारते बोला हमें आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चेक कीजिएगा वर्स के बहुत साफ़ सुथरा शहर है ये, गंदगी मतलब अवेयरनेस है लोगों को यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर लिविंग स्टाइल है, कि छोटे छोटे घर बने हुए हैं लेकिन साफ़ सुथरे घर बने हुए हैं, और रोड बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं वर्स। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और यहाँ का मौसम मैं आपको दिखा दे रंगीर खान का, अब हम आप आगे बढ़ते हैं, और आगे हम आपको जहाँ जहाँ सफ़र करते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे नए वीडियोस। तो हमारे साथ लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।